हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर द बोन ऑफ वर्ड्स. ओके, द बोन ऑफ वर्ड्स एंड दिस स्टोरी इज फेमस ऑफ ए विट्टी बॉय हु गोज ऑन द बिकम फेमस बिकॉज ऑफ वर्ड्स. एंड हियर इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर ई. एंड देर आर गिवेन टू कॉलम. इन द फर्स्ट कॉलम सम ऑफ द ओडियम्स एंड इन द सेकेंड कॉलम यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द ओडियम्स. सो मैच विथ फर्स्ट कॉलम विथ द सेकेंड कॉलम विथ देयर प्रॉपर मीनिंग. ओके, इन द फर्स्ट कॉलम यू कैन सी द गेट ऑन ए सम बॉडी नर्व्स. ओके, दिस मैच विथ द ऑप्शन नंबर एफ. ओके, एंड सेकेंड इज द ओडियम्स हैव ए नर्व. दिस सेकेंड मैच विथ ऑप्शन नंबर ई. एंड थर्ड इज हैव नर्व्स ऑफ स्टील. दिस इज द ऑडियम्स वर्ड्स एंड दिस वर्ड्स हैज बीन मैच विथ द ऑप्शन नंबर एच. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ हिट और टच ए नर्व्स. इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेंशन समथिंग दैट अपसेट समवन. ओके, एंड फाइव इज नर्व्स ऑन एज एंड इट इज मैच विथ ऑप्शन नंबर जी. ओके, एंड सिक्स इज लॉस. इट मीन्स वंस नर्व्स. इट मीन्स इट मैच विथ ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स मीनिंग विल बी सडनली नॉट हैव द करेज टू द समथिंग. ओके, एंड सेवंथ इज स्ट्रेन एवरी नर्व्स. इट मीन्स मैच विथ ऑप्शन नंबर डी ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग. ओके, एंड नेक्स्ट इज टेक ए लॉट ऑफ नर्व्स and this match with last option that is the C. So match it with the option number C. Okay, next is insert the verb in a bracket in the correct places, use to wherever required. Okay, so first sentence is the villagers decided something about Raman. So here is the word do in a bracket and that do word use in their proper place wherever necessary and also use two preposition word it will be infinity when add the verb with the two. So option is here is the first sentence is the villagers decided. After the decided you will write down to do. Okay, to do something about Raman. Next is Raman liked. After the liked you can add the word to make fun of everyone. Okay, next is his mother wanted him. Okay, after the him you will add two preposition word and write down verb is take. Okay, so it will be his mother wanted him to take life a little seriously. Okay, fourth is but Raman refused. After the refused you will write down the infinity word with the verb to change. Okay, but Raman refused to change in any way. Okay, in the fifth sentence you can see here you must go. After the go you will write down only study. Okay, you must go to study. Okay, study with the wise old man Raman's mother told him. Okay, next is option number 6 his teacher told him. After the him you will write down to ask and then write down the word the god is for a boon. Okay, here the exercise is completed. So next exercise is you can see here work in a pair, take turn to ask and answer these question. Okay, then use infinitive to partner. Okay, you can see here some of the question and you will reply it by their proper answer. So first question is what are your plans for the evening. Okay, and its answer will be my plan. You can change your as a my plan are to playing for the evening. It is the answer of the question. Next is what would you like to do over the weekend and its answer will be I would like
टू मीट माई फ्रेंड ओवर द वीकेंड. ओके थर्ड इज व्हाट वुड यू लाइक टू गेट ऑन योर बर्थडे. सो यू विल रिप्लाई इट आई वुड लाइक टू गेट ए बाइसाइकिल ऑन माई बर्थडे. एंड फोर्थ इज व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर द हॉलीडे. एंड इट्स आंसर विल बी आई हैड प्लान्ड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज फॉर द हॉलीडे. एंड लास्ट इज व्हाट इज योर एम्बिशन. सो यू विल राइट डाउन ए डिफरेंट आंसर एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन आई व्हाट इज योर एम्बिशन. सो माई एम्बिशन इज टू बी कम ए टीचर क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एंड इट इज द लास्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज रीराइट दिस पैसेज विद द करेक्ट पंक्चुएशन और पैराग्राफ. सो यू कैन सी एंड यू विल नो अबाउट दैट. यू हैव टू नो अबाउट दैट हाउ कैन वी यूज द पंक्चुएशन मार्क इन ए सेंटेंस एंड वेर एवर द प्लेस विच इज द नेसेसरी ऑफ टू यूज ऑफ कैपिटल लेटर. ओके सो लुक हियर इज द पैसेज. इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विल सी ए वर्ड द. इन द टी विल बी कैपिटल लेटर एंड इन क्यूरियस सी विल बी कैपिटल लेटर एंड इन प्रेसिडेंट पी विल बी कैपिटल लेटर एंड इन फ्रांस यू विल राइट एफ एज ए कैपिटल लेटर एंड एलिस यू विल राइट डाउन ई एज ए कैपिटल लेटर एंड इन पैलिस you will write P as a capital letter and after the dinner you keep the full stop. Okay so next is in you write down I as a capital letter and next is Mary. In Mary you will write down capital letter and after that after the said you will make a mark as a comma and inverted comma and W will be capital. Okay and after that in the king you will write K as a capital letter and Greece you will write G as a capital letter and after the Greece you keep the question mark. Okay put the question mark after the end of Greece word. Okay and M will be capital letter in a Mary. Okay and then after the replied you will use the comma and inverted comma. Okay and I will be capital and in I after the I will be capital and then it you can see the word after the it you will put the full stop and T will be capital in the word the and after the shocked you use the comma and in Mary you will be write down M as a capital letter and then madam in madam you will use the capital letter and after that L Leobert in Leobert you also use the L as a capital letter in president you will write down P as a capital letter and after the question you keep the full stop and S will be capital in a C. Okay and after that quickly you will use the comma and inverted comma and but in the but you will write down B as a capital letter and after that you also use full stop and I will be capital and sell do whatever you please after the please you use comma and then after the please you also comma and then keep the full stop and inverted comma. Okay so it is the book exercise of the H and I hope you have to complete your book exercise and this is the chapter the bone of birds. Okay thank you for the watching this video.